हेलो वेलकम टू ओडिशा डिजिटल लर्निंग। आज आम नाइन क्लास इंग्लिश बोर द प्राइसलेस गिफ्ट विषय टी पढ़ा और बुझा। प्राइसलेस गिफ्ट मीन्स अमूल्य उपहार विषय टी पढ़ा पूर्व कौन कही चल देखा। डू यू लाइक द ऑफर सम गिफ्ट टू समबडी ऑन हिज और हर बर्थडे वेडिंग और सम स्पेशल ओकेजन। तुम्हें कहार बर्थडे कि जन्मदिन वेडिंग बाहागर कि स्पेशल ओकेजन विशेष अवसर में जन को उपहार देवा को पसंद कर कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वुड यू लाइक टू गिव। यदि पसंद कर तेरे क्यों प्रकार जिनस देवाक चाहिए। डिस्कस अबाउट इट विथ योर क्लासमेट्स तेब तुम्हें तुम्हारे सांग विषय आलोचना कर। व्हाई डज ए स्मॉल गिफ्ट बिकेम सो वैल्युएबल कहीं गोटे छोट उपहार एत मूल्यवान हो जाए। व्हाट डू यू सी व्हेन यू एंटर ए रेस्टोरेंट तुम्हें एक भोजनालय पशिला कौन देख। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी द प्राइसलेस गिफ्ट तेब चलो यही इंटरेस्टिंग स्टोरी टी पढ़ा जार नाम हूँ द प्राइसलेस गिफ्ट। हियर प्राइसलेस मीन्स समथिंग व्हिच हैज ए हाई वैल्यू बिकज इट इज रेयर एटार प्राइसलेस अर्थ होउची कौनसी जिनिष जहार मूल्य अधिक कारण यह विरल अटे। मैच योर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन विथ दिस डिस्क्रिप्शन यही वर्णना गुड़िक तुम आलोचना पॉइंट सहित तो मेलाओ। तेरे चलो विषय टी पढ़ा चल पढ़ा। आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एठार वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मीन्स निरामिष भोजनालय। मु एक निरामिष भोजनालय को गली। आई वाज लंच टाइम यह मध्यान भोजनर समय। देयर वर पीपल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सेठारे लोक मैंने खियापिया करुथिले। द रेस्टोरेंट वाज भेरी क्राउडेड एठारे क्राउडेड मीन्स जनगहली। सही रेस्टोरेंट टी बहुत जनगहली थिला। I saw that some of the chairs and tables had been pushed into a corner. मु देखिली किछि टेबल और चेयर एक कोणरे पड़िछि। I chose the corner table, seated myself and started skimming through the newspaper. एठार skimming means आखि बुलाइ आनिबा। मु कोणरे थिबा टेबल टी को बाछि सेठारे बसिली एवं खबर कागज उपरे आखि बुलाइली। At that moment, I noticed a very young girl looking at me. सही समय रे मु नोटिस कली गोटे छोटो झियो मते चाहिछि। Her eyes were large and they had a sad expression. तार आखि गुड़ी को बड़ बड़ होई जाई थिला एवं तार मुख रे एक दुखद अभिव्यक्ति थिला। As she was going out, she asked the cashier in a low voice. एठारे cashier means हिसाब रक्षक। से बाहर को जाऊ जाऊ से कैशियर को निम्न स्वर रे पचारिला इज दैट जेंटलमैन एन इंडियन से ही भद्रलोक जनक भारतीय कि। आई थिंक सो द कैशियर रिप्लायड मु सेया भाबुची कैशियर जनक उत्तर देले। द गर्ल लुक्ड एट मी वन्स मोर एंड वेंट आउट से झियोटी पुणी थरे मते चाहिला एवं बाहर को चली गला। इट सरप्राइज्ड मी यह मत आश्चर्यचकित कला। व्हाई व्हाट वाज द मैटर कहीं घटना कौन कहीं मत से चाहिला। हर इंटरेस्ट इन मी अराउज्ड माय क्यूरियोसिटी इन हर एठार अराउज मीन्स जाग्रत करिबा क्यूरियोसिटी मीन्स कौतूहल बा जानिबार आग्रह। से झियोटीर मो प्रति बा मो विषय जानिबार इच्छा देखि मो मन रे से झियोटी विषय जानिबा को इच्छा हला। से झियोटी किए से कहीं मत अनौची एवं मो विषय कहीं जानवाक चाहूँगी से विषय जानवाक मोर इच्छा है। व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय लंच जितेबले मु मोर मध्यान भोजन शेष कली। आई आस्क्ड द वेटर एटार वेटर मीन्स परिचारक मुझे वेटर को पचारिली। डू यू नो द गर्ल हु वाज सिटिंग आउट देयर सेठारे जो झियोटी बसीला तुम्हें ताको चिन्हिच कि। नो सार आई नोटिस सी हैड लंच हियर ऑन सैटरडेज ना सार मु से झियो को चिन्ह नहीं
ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦେଖେ। ସି କମ୍ସ ଅନ୍ ପେ ଡେ ଓନ୍ଲି, ସେ କେବଳ ପେ ଡେରେ ସେଠାକୁ ଆସେ। ପରହାପ୍ସ ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଅର୍ନ ମଚ୍, ଏଠାରେ ଅର୍ନ ମିନ୍ସ ରୋଜଗାର କରିବା, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନଥିବ। ଆଇ ୱାଜ୍ ମୁଭ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ସେଡ୍, ତା କଥାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି। ଦ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଇ ଫେଲ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ପ୍ରେସିଷ୍ଟେଡ୍, ଏଠାରେ ପରସିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଲାଗି ରହିବା, ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛା ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ଲାଗି ରହିଲା। ହ୍ୱାଇ ହେଡ୍ ସି ଇନକ୍ୱାର୍ ଏବାଉଟ୍ ମି, ସେ କାହିଁକି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ସେହି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ବା ଝିଅଟି କିଏ ଥିଲା। ଆଇ କେପ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଆର୍ ପ୍ରଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ସେଡ୍ ଏନ୍ସ୍କିୟସ୍ ଫିଗର, ଏଠାରେ ପ୍ରଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ମିନ୍ସ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପୀଡ଼ିତ। ମୁଁ ତା'ର ରହସ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଚେହେରାଟି ବିଷୟରେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲି। କୁଡ୍ ଆଇ ହେଲ୍ପ ହର୍ ଇନ୍ ଏନି ୱେ, ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି। ଦ ୱିକ୍ ପାସ୍ଡ, ସେହି ସପ୍ତାହଟି ବିତିଗଲା। ସଟରଡ଼େ କେମ୍ ଏଗେନ୍, ପୁଣି ଥରେ ଶନିବାର ଆସିଲା। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମାନ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲି। ଏଜ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଆଇ ସୋ ହାର୍ ସିଟିଂ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏଜ୍ ବିଫୋର୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପଶିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟି ପୂର୍ବ ଶନିବାରରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲା ସେହି ସମାନ ଟେବୁଲରେ ବସିଛି। ସି ୱାଜ୍ ଇଟିଂ, ସେ ଖାଉଥିଲା। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଟୁ ହାର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଦ ଚେୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ହାର୍ସ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ଚେୟାର ପକାଇ ବସିଲି। ଆଇ ୱିଶ୍ଡ ହାର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ଜଣାଇଲି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବାଇ ମେକିଂ ୱାନ୍ ବ୍ରିଫ୍ ରିମାର୍କ ଆଫ୍ଟର ଏନଦର୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କନ୍ଭରସେସନ୍, ବ୍ରିଫ୍ ମିନ୍ସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କନ୍ଭରସେସନ୍ ମିନ୍ସ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସି ଆସ୍କଡ୍, ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ପଚାରିଲା, ଆର୍ ୟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ତୁମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି। ମାଇ ବ୍ରଦର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋ ଭାଇ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲ୍ଜର୍, ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ଅଟନ୍ତି। ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ହେଡ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇନାହୁଁ। ମାଇ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ୱରିଡ୍, ଏଠାରେ ୱରିଡ୍ ମିନ୍ସ ବିବ୍ରତ ହେବା, ମୋ ମା ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ସି ଇଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ସମଥିଂ ହେଜ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍, ଏଠାରେ ଆଫ୍ରେଡ୍ ମିନ୍ସ ଭୟଭୀତ, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଇ ଲର୍ନ ଦେଟ୍ ହାର୍ ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର୍, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଥିଲା ତା'ର ଭାଇ। ସି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଓଲ୍ଡ ୱିଡୋଡ୍ ମଦର୍ ମିସେସ୍ ବେଥି, ସେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧ ବିଧବା ମା ବେଥିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ଟୁ ସି ହାର୍ ମଦର୍ ବଟ୍ ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କରେଜ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ମି ଟୁ ଏକମ୍ପାନୀ ହାର୍ ହୋମ୍, ଏଠାରେ କରେଜ୍ ମିନ୍ସ ସାହସ, ଏକମ୍ପାନୀ ମିନ୍ସ ସାଥିରେ ଯିବା। ମୁଁ ତା ମାଆକୁ ଦେଖା କରେ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ତା ସାଥିରେ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା। ୱି ଫିନିଶ୍ଡ ଆୱାର୍ ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ ଅପ୍ ଟୁଗେଦର୍, ଆମେ ଆମର ଭୋଜନ ଶେଷ କଲୁ ଏବଂ ଏକାଠି ଉଠିଲୁ। ଏଜ୍ ୱି ୱାକ୍ଡ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ହାର୍, ଆମେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମେ ଆଇ ନୋ ୟୋର୍ ନେମ୍, ମୁଁ ତୁମର ନାଁ ଜାଣିପାରେ କି। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମେଗି, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମେଗି। ୱି ଚାଟେଡ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ସୁନ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଚାଟେଡ୍ ମିନ୍ସ ଗପ କରିବା, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟଲି ମିନ୍ସ ଖୁସିରେ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଗପ କରୁ କରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦିସ୍ ଗେଭ୍ ମି ଦ ଅପରଚୁନିଟି ଅଫ୍ ଆସ୍କିଂ ହାର୍ ହ୍ୱିଆର୍ ସି ୱାର୍କଡ୍, ଏଠାରେ ଅପରଚୁନିଟି ମିନ୍ସ ସୁଯୋଗ, ସେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ତାହା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ୟୁ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଦିସ୍ ୱେ, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ। ଆଇ ଆସ୍କଡ୍, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ନୋ ସି ଆନ୍ସର୍ଡ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନା।
आई यूजुआली टेक द भिलेज ब्रिज एठार ब्रिज मीन्स पोल मु साधारणतः गाँ पोल बाट दे जाए इट इज बीइंग रिपेयर्ड एट द मोमेंट एठार रिपेयर्ड मीन्स मरामति करिबा सही गाँ पोलटी एबे मरामति हेउछि सुन वी अप्रोच देयर नेबरहुड खूब शीघ्र आम तर पड़ोशी पखापाखी पहुँचीगलु वी हेड रिच्ड ए नेरो डोरवे आम गोटे अणसरिया द्वार निकट में पहुँचल मैगी टू के थीन लेज की आउट ऑफ हर पॉकेट एंड ओपन द डोर एठार ए थीन लेज की मीन्स सरु चबिकाठी मैगी ता पॉकेट रु गोटे सरु चबिकाठी बाहर कला एवं कबाट खोलिला सी एंटर एंड सेड से भीतर को प्रवेश कला एवं कहिला प्लीज कम इन दयाकोरी भीतर को आसंतु टुगेदर वी डिसेंडेड द स्टार्स टू द किचन एटारे डिसेंडेड मीन्स तल को ओल्लवा स्टार्स मीन्स पहाच तापर आम एकाठी पहाचर ओह्ल रोसई घर को गलु मदर सेड मैगी फ्रॉम द डोरवे मैगी द्वार पाखे छिड़ा हुई माँ बोली डाकिला एन इंडियन जेंटलमैन हेज कम टू सी यू एवं कहिला भारतीय भद्रलोक आपण को देखा करने को आर इज हि से क्योंठार अच्छा द ओल्ड वोमेन आस्क्ड ईगरली एठार ईगरली मीन्स उत्कंठार सहित से ही वृद्धा जनक उत्कंठार सहित पचारे विथ ए स्माइल आई स्टेप्ड इन टू द किचन बिहाइंड मैगी एठार बिहाइंड मीन्स पछरे एक स्मित हस सहित मु मैगी पछे पछे रोसई घर भितर को पशिले सी इंट्रोड्यूस्ड अस एठार इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय कराइबा से आम को परिचय कराइला हाउ डू यू डू आपण किपरि अछंती आई सेड एंड हेल्ड आउट माय हैंड मु कहिली एवं हाथ बढ़ाइली एक्सक्यूज मी माय हैंड्स आर कवर्ड विथ फ्लोर क्षमा करिबे मो हाथ में अटा लगी आई एम मेकिंग केक्स मुझे केक् तैयारी करुच्छी पीपुल विल कम टू बाय देम दिस इवनिंग लोक मैंने सेगुड़िक किणापी ए संध्या आसवे दिस इज द वे वी मेक आवर लिविंग लॉट्स ऑफ ट्रबल यही हूँ आम जीवन आम यही भाव में असुविधा चलुचु सटरडे नाइट इज ए टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नेबरहुड्स एटार फेस्टिविटी मीन्स उत्सव से ही शनिवार राति हेउछि गरीब पड़ोशी मानकर उत्सवर समय ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड ऑफ दिस नाइट एही राति रे सबु प्रकार जिनिस बिक्री होई जाए द स्ट्रीट्स आर मोर क्राउडेड देन एनी अदर डे आउ अन्य दिन अपेक्षा से दिन रास्ताटी बहुत जनगहली हुए दिस इज द डे व्हेन दे आर एबल टू स्पेंड ए लिटिल फ्रॉम देयर वीकली वेजेस एटार वीकली वेजेस मीन साप्ताहिक मजूरी एही दिन रे सेमाने सेमानको साप्ताहिक मजूरी रो अल्प किछि खर्च करि पारंती आई होप आज जेतकी पढ़ाला सेतकी भल भाव बुझि पारथिबो नेक्स्ट टाइम पार्ट टू टी को पढ़िबा एही भली वीडियो आ को देखिया पई ए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।